हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं, बहुत ही खास रेसिपी है ये। यह है सरसों का साग। ठंडियाँ आ गई हैं, सरसों के साग बहुत लोग बना खाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का जो साग बनता है थोड़ा सा कड़वापन उसमें आता है। तो मैं इस ट्रिक से बताऊँगी कि आप लोगों का जो साग बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये इस साग में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सरसों के साग से ही मैं बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देर ना करते हुए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कैसे इसको बनाना है। ये है सरसों का साग। इसको पहले मैंने अच्छे से धुल लिया है, फिर इसको बारीक काट करके रख लिया है। आधा केजी सरसों का साग है। इसके बाद कढ़ाई में इसको हम डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे जल्दी से गल जाएंगे। और कुकर में अगर पकाएंगे आप लोग, थोड़ा सा कड़वापन रहता है, तो कुकर में आप लोग ना पकाएं। ये भी एक ट्रिक है कि कुकर में नहीं पकाना चाहिए साग को। साग को उबालिए तो कढ़ाई में या किसी पतीले में, जिससे इसका जो भाप थोड़ा निकलता रहे, तो इसमें कड़वापन नहीं आता है। तो देखिए, हमने इसको चला दिया और अब इसको ढकेंगे। अब इसको ढक करके हमें उबालना है। तो देखिए, हमने 2 मिनट बाद फिर इसको चेक कर लेते हैं। 2-2 मिनट बाद इसको चलाते रहें। अब इसको हम चला लेंगे। देखिए, जो साग है अच्छे से, मतलब कम हो गया है, गल रहा है अब। तो इसको चला करके गलाना है। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है गलने में। अब इनको फिर हम ढक देंगे। इस बार ढकेंगे तो देखिए हम किस तरह से इसको ढकेंगे। जो पलटा है इसी कढ़ाई में रख देंगे, इसके बाद इसको ढकना है। अब इसका जो भाप है बाहर थोड़ा निकलेगा और थोड़ा सा और गलेगा, तो इससे जो कड़वापन है साग में नहीं आएगा। इधर हमने कुछ मतलब सब्जियां जो ली हैं तड़के के लिए, तो देखिए ये प्याज है। प्याज को हमने काट करके रखा हुआ है। एक ही प्याज है, लहसुन है, मिर्चा और टमाटर अदरक है। अब इन सबको हम चॉप कर लेंगे। इधर देखिए, हमने सभी को चॉप कर लिया है। तो इसको बस चॉप करना है, दरदरा मतलब पीसना है। आप अगर मिक्सी जार में भी पीस रहे हैं तो मिक्सी जार को थोड़ा थोड़ा रोक करके, बंद ऑफ करके इसको पीसें, तो इस तरह से वो बन जाएगा। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। और जो टमाटर है उसको अलग से हम चॉप कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं फिर कढ़ाई में, फिर हम चला लेते हैं जो साग है सरसों का, इसको फिर हम चला लेते हैं। तो इधर देखिए, साग हमारा एकदम गल गया है। अब हम गैस का जो फ्लेम है इसको बंद कर देंगे और इसके बाद इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब इसको हम जो इसका मतलब पानी है निकाल लेंगे। इस तरह से जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है उसको भी निकाल देंगे। इस तरह से टाइम भी नहीं लगता है गैस में और बहुत जल्दी पक भी जाता है और थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा ऐसा, क्योंकि इसमें हम अभी कुछ डालने वाले नहीं हैं। तो इसको इसी तरह से इसका रस निकाल करके रख लेंगे। तो देखिए, हमने सभी को निकाल के रख लिया है। अब फिर चलते हैं कढ़ाई में, डालेंगे देसी घी। अगर देसी घी नहीं डालना है तो आप लोग कुकिंग ऑयल कोई ले सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन देसी घी में जो सरसों का साग है बहुत ही अच्छा होता है। अब जो हमने चॉप किया हुआ था लहसुन, मिर्चा और प्याज अदरक को, तो उसको इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा चला लेंगे हम। थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसको हम ढक देंगे। ढक करके पकाने से जल्दी से पक जाता है और ज़्यादा हमको भूनना नहीं पड़ता है। अब इधर फिर हम देख ले रहे हैं, तो जो लहसुन प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसमें जो चॉप किया हुआ टमाटर है उसको डाल देंगे। अब इसको भी इसमें हम चला लेंगे। अब इसमें टमाटर को अच्छे से गलाना है। तो इसको गलाने के लिए थोड़ा जल्दी से गल जाए तो इसमें हम डाल देंगे नमक।
तो नमक हमने पहले भी साग में डाल के उबाला था, तो थोड़ा सा नमक हम कम ही डालेंगे। ध्यान में रख कर के नमक थोड़ा ही डालें। साग में ज़्यादा नमक पड़ जाता है तो भी स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो हमने नमक डाल दिया है और इसको फिर हम चला लेंगे। अब चला करके इसको फिर ढकना है। तब फिर हम ढक देंगे इसको, ऐसे एक या दो मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर अब इसको हम चेक कर लेते हैं तो जो हमारे जो मसाले हैं अच्छे से इसमें भुन गए हैं। तो जो कि एक हम हेल्दी मतलब रेसिपी बना रहे हैं, साग है जो हेल्दी ही होना चाहिए, इसमें कोई भी मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो साग है इसको ही डाल देंगे। इसमें आप लोग देख रहे हैं मसाले हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप लोगों को मसाले इसमें अच्छे लगते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें मसाले इस्तेमाल नहीं करते हैं। साग बनाइए तो हेल्दी बनाइए, और इसमें मसाले डाल देने से वो हेल्दी नहीं रह जाता, मसाले नुकसान करते हैं। तो इस तरह से इसको भी चला करके हम ढक देंगे। ढक करके पकाने से होगा जो भी हमारा लहसुन प्याज और वो सब है मसाले जो भी हैं ये अच्छे से इसमें मतलब मिल जाएंगे और अच्छे से पक जाएं। तो ये जो हमारा साग है बन गया है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अब तक हमारे वीडियो में आप लोग बने रहे। धन्यवाद।